वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम एस एग्ज़ाम्स। चले दोस्तों, एक जो बुरी खबर है बिहार के शिक्षक भाइयों बंधुओं के लिए, सुबह में नहीं लागू होगी पुरानी पेंशन योजना। देख सकते हैं क्या है पुरानी न्यूज़। करों की हिस्सेदारी में बिहार को मिली कम राशि, तारकेश्वर प्रसाद। उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तारकेश्वर प्रसाद ने माना कि करोड़ों की हिस्सेदारी में बिहार का वाजिब हक नहीं मिला है। बिहार के बैंकर्स लक्ष्य के अनुरूप क्रेडिट कार्ड का वितरण नहीं कर रहे हैं, जबकि इस मुद्दे को कई स्तर पर उठाया गया। राज्य सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सिर्फ मॉनिटरिंग करती है, लक्ष्य के अनुरूप कर्ज नहीं देने वाले बैंकों पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। ये अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि राज्य में राजकर्मियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने का योजना फिलहाल विचाराधीन नहीं है। AIAM के अख्तरुल ईमान के जवाब में वित्त मंत्री ने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में 10.31 लाख किसानों के क्रेडिट कार्ड रिन्यूअल किया गया, जो लक्ष्य से काफ़ी कम है। सरकार के लिए यह चिंता का विषय है। समय समय पर SLBC की बैठक में मॉनिटरिंग की जाती है। अगले कुछ दिन एक बार फिर SLBC की प्रस्तावित बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। हालांकि अख्तर लिमान का कहना था कि सीमांचल के किसान साहूकारों के चंगुल में फंसे हैं, उन्हें साहूकारों के चंगुल से निकालने के लिए KCC अच्छी योजना थी। सरकार किशनगंज के किसानों को राहत देने के लिए क्या योजना लागू करने जा रही है। राजद के आलोक कुमार मेहता के सवाल के जवाब में वित्त मंत्री ने कहा कि बिहार केंद्रीय संकल्पों के जरिए कर्मचारियों को राहत देने का निर्णय लेती है। एक राज्य यदि पुरानी पेंशन को लागू करने की घोषणा की है, इसका ये मतलब नहीं कि इसे पूरे देश में लागू की जाए। सरकार के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। राजद के ललित कुमार यादव के सवाल के जवाब में कहा कि आने वाले तीन वर्षों में कर राजस्व संग्रह की स्थिति सुधरने के आसार हैं। ऐसे में बिहार को केंद्र से करों की हिस्सेदारी के तहत अच्छी खासी राशि मिलेगी। श्री यादव का कहना था कि बिहार पिछले 3 वित्तीय वर्ष से केंद्रीय करों से मिलने वाले राशि के लक्ष्य से 31,000 करोड़ रुपये केंद्र से कम मिले हैं, इससे राज्य की योजनाएं प्रभावित हो रही है। अरुण कुमार सिंह के सवाल के जवाब में उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने बताया कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार उद्यमिता के लिए SC ST एवं अति पिछड़ों से आवेदन के वक्त लिए जाने वाले GST को बंद कर दिया गया है।